हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम ओ वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकॉस पॉइंट आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो फाइनली अ वीडियो आफ्टर सो 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 लॉन्ग इतना ज़्यादा गैप मैंने आज तक कभी नहीं डाला एंड नीट इज़ जस्ट इन ऑलमोस्ट सिक्स डेज तो पाँच छः दिन बचे हैं एंड आई नो हाउ टू फील हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इट्स जस्ट एन अपडेट ये कोई ब्लॉग नहीं है कुछ नहीं है इट्स जस्ट एन अपडेट वीडियो फ्रॉम माय साइड कि मैं कैसा हूँ बिकॉज मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है नॉट विद माय शॉर्ट्स एज वेल आई नो इस टाइम पे मैं ये वीडियोस ना सिर्फ मैंने इधर उधर से उठा लिए अपनी पुरानी वीडियोज़ एंड आई एम जस्ट वॉइस ओवरिंग इट मुझे वॉइस ओवर करने में भी इतना आलस आ रहा है ना कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा वैसे ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन पढ़ता ही रहता हूँ मेरे पास टाइम होता है ये सब करने के लिए बट स्टिल जिस चीज़ का आपका मन नहीं करता ना बिकॉज जब तक नीड नहीं होएगा ना कुछ भी एक्स्ट्रा करने का मन ही नहीं करेगा आपका भी सेम हाल होगा आई नो एंड जो लोग भी नीट के पहले वीडियो देख रहे हैं आई जस्ट वोनर से कि यार जैसा भी एग्जाम जाएगा जस्ट जस्ट हैव फेथ इन योर भगवान ने कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा तो टेंशन मत लो अच्छा ही जाएगा जस्ट बी रिलैक्स बिकॉज अभी पाँच छः दिन हैं टेंशन लेके भी ना ये पाँच छः दिन भी हम ख़राब कर देंगे तो मेरा तो यही है कि आप लोग ना अभी पाँच छः दिन जितने भी हैं अच्छे से रिविजन करो बाकी तो जो होगा वो देखा ही जाएगा हर नो आपको पता चल रहा है या नहीं बट मैं ना अभी बीमार हूँ मुझे कोल्ड uh, हो गया है पता नहीं मैंने ना चंडीगढ़ से वापस आ चुका हूँ मैं uh, कल ही आया कल परसों ही तो यस अभी पूरे छः महीने बाद मैं चंडीगढ़ से वापस आया वहाँ पे बहुत मज़ा किया पढ़ाई भी की ओबियसली पढ़ाई करने गया था बट बहुत सारे फ्रेंड्स वग़ैरह मिले तो बहुत अच्छा मज़ा आया मैंने कुछ ब्लॉग्स भी बनाए हैं जो कि ऑब्वियसली मैं नीट के बाद डालूँगा एंड नीट के बाद हम रेगुलर होएंगे फाइनली बट हाँ मेरा मन था कि एक अपडेट वीडियो तो बनता है मेरी तरफ से एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू आस्क अबाउट माई मॉक टेस्ट स्कोर कि कितना आ रहा है कितना आ, कैसा करोगे कैसी चल रही है प्रेपरेशन इन ऑल दैट तो यार वैसे तो मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर वगैरह बताने का ना ज़्यादा मन नहीं था बट स्टिल आई कैन गिव यू एन आइडिया कि एवरेज स्कोर ना ना तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा है इट्स अ वेरी एवरेज स्कोर जो कि सबका ऑलमोस्ट चल ही रहा है साढ़े चार सौ पाँच सौ पाँच सौ के करीब मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे नहीं पता कैसा जाएगा कैसा नहीं बट आई एम गौना गिव माई हंड्रेड परसेंट इन दिस रिमेनिंग सिक्स डेज तो बाकी तो आई बिलीव कि जो होगा अच्छा ही होगा बुरा तो नहीं होगा बिकॉज मैंने मेहनत की है यार तो आप लोगों ने भी किया इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी आप लोगों ने भी मेहनत की है एंड अपनी मेहनत पे विश्वास रखो एंड जितना भी अभी बचे हैं दिन पूरा हंड्रेड परसेंट दो आप जितना पढ़ सकते हो पंद्रह घंटे सतारह घंटे इट्स ओके पढ़ना ही है अब सात दिन बाद यार लाइफ ना बहुत अच्छी हो जाएगी मैं तो बस यही सोच सोच के जी रहा हूँ कि फ़ाइनली छः दिन बचे हैं सात दिन बचे हैं सात दिन, है, दिन बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसा करूँगा वैसा करूँगा मैं तो बस यही सोच सोच के टाइम निकाल रहा हूँ कि कितना मज़ा आएगा सात दिन बाद तो फाइनली ये टेंशन वाला माहौल ना ख़त्म हो जाएगा मुझे फीवर हो रखा है कोल्ड हो रखा है तो मेरा तो और पढ़ने का मन नहीं कर रहा अभी पता नहीं कल रात को क्या हो गया मुझे एकदम से जुकाम हो गया एंड उसके बाद फिर थोड़ा फीवरिश फीवरिश लग रहा था तो आ, सारा मूड खराब कर दिया एंड थैंक यू सो मच एवरी वन जितने भी लोग अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइबड हैं बिकॉज मैंने वीडियो नहीं डाली आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी थिंग एनी कॉन्टेंट एंड ऑल बट स्टिल यू गाइज आर विद मी आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड I promise कि एक बार नीट हो जाने दो तो उसके बाद बहुत कुछ दिमाग में planned है बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी बहुत मैंने vlogs बनाए भी हैं चंडीगढ़ के अपने दोस्तों के साथ तो वो भी upload करूँगा एंड यही बताना था अगर आपको आपको भी share करनी है अपनी चीज़ें तो you can comment it down because share करने से ना मन हल्का होता है बिकॉज आई नो इस टाइम पर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा एंड शायद इस वीडियो को आप नहीं भी देखो बिकॉज आप लोग टेंसड हो गए कई लोगों ने यूट्यूब बंद कर रखा होगा बट मोस्ट प्रॉबेबली जितने भी लोग देखेंगे आई होप यू कैन रिलेट विद माई फीलिंग्स सबका बिकॉज सेम ही चल रहा है जितने भी लोगों ने नीट देना है ना सबका सेम यही चल रहा होगा कि दिमाग में कि क्या होगा कैसे होगा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है नीट में कैसे आएगा नीट कैसा आएगा डिफ़िकल्ट ईजी बिकॉज इस बार सलेबस वगैरह भी चेंज हुआ है ना तो उसकी वजह से भी थोड़ा टेंशन वगैरह रहता है तो फाइनली मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ बिकॉज़ मैं ना रोज़ यही सोचता था कि मुझे एक अपडेट वीडियो डालनी है एक अपडेट वीडियो डालनी है बट मैं रोज़ ही आलस के मारे ना वीडियो को मतलब वॉइस ओवर कर ही नहीं पाता था बट अभी फ़ाइनली वॉइस ओवर भी हो गया एंड इसको अभी अपलोड कर दूँगा मैं आज ही आज है अराउंड ट्वेंटी एट अप्रैल एंड मैं पता है कल का सोच रहा हूँ कि फ्राइडे है फ्राइडे है अभी संडे मुझे आज सुबह ही पता चला कि आज संडे है नेक्स्ट संडे हमारा पेपर है हो दिस वॉज सो बैड लाइक जब मुझे पता चला ना कि आज संडे है तो मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा कि यार संडे भी आ गया बस अब बीच में कोई संडे नहीं बचा है तो एनी जो भी होता है मैं पहले बोल चुका हूँ ये तो यार सब बोलते हैं अब मैं क्या ही बोल लूँ तो एनी छोड़ो तो ये मेरी कुछ क्लिप्स हैं चंडीगढ़ की ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं बाकियों को आपने पहले भी देखा है जो तीन थे बट ये मेरे न्यू लाइब्रेरी के फ्रेंड्स हैं मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी एंड नो मैंने बताया नहीं बताया बट स्टिल दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप यू वाइज इन्जॉयड क्या रिलेटेड टू माई फीलिंग्स बिकॉज इसमें इन्जॉय करने लायक तो कुछ नहीं था बट एनी वेज मिलते हैं छः सात दिन बाद मतलब नीट के बाद एंड टिल देन बेस्ट ऑफ लक अच्छे से मेहनत करो एंड गिव यू हंड्रेड परसेंट बै